तो कीजिए, आप एक बार जिला परिषद की योजनाएं को देखिए। सरेआम लूटने का काम किया जाता है, कहा गया कि नहीं है, इसमें बहुमत की क्या जरूरत है, हम देंगे। DDC कह रहे हैं कि आप हमको देती, आप बताइए, DDC सचिव होते हैं अध्यक्ष का, वो अध्यक्ष से भी बड़ा आपने योजना क्यों नहीं दिया। इसलिए अगर मेरे साथ अन्याय नहीं किया गया, मेरे हक को नहीं दिया गया, पुस्तकालय सारा हो गया, लेकिन मेरा क्षेत्र पड़ता है 38 बसंतपुर, लेकिन मेरे बसंतपुर को छोड़ के भगवानपुर हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, 36 को छोड़ दिया गया, इसलिए कि वो मुस्लिम। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी, अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM City। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। अब गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चले आए सिवान में, खुल गया है AS हेयर फिक्सिंग, जहाँ सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन से मिलेगा छुटकारा और दिखने लगेंगे स्मार्ट। हमारा पता है चर्म रोग डॉक्टर अबुजर हुसैन के क्लिनिक के ऊपर सिसवन ढाला के नजदीक सिवान। मोबाइल नंबर है 7091777959। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के जिला परिषद के सभागार में जिला परिषद के बोर्ड की बैठक की गई, जिसमें DDC के अलावे तमाम जिले भर से आए हुए पार्षदों ने हिस्सा लिया और तमाम जो भी विभाग के अधिकारी हैं वो अधिकारी भी मौजूद रहे। एक एक करके सभी लोगों ने, जो जिला पार्षद सदस्य हैं, उन लोगों ने अधिकारियों से सवाल पूछे और उनका जवाब भी मिला। हालांकि कुछ सवाल इस तरह के थे जो कि अधिकारी पार्षद को संतुष्ट नहीं कर पाए और बीच में जो DDC हैं उनके द्वारा भी यह कहा गया कि बिल्कुल इस पर फिर से आप जांच कीजिएगा। हालांकि आपको बताते चले कि इस जिला परिषद की बैठक के बाद से रेणु यादव, जो एक तेज तरार महिला हैं और पार्षद हैं, बसंतपुर क्षेत्र से आती हैं, उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, कई गंभीर आरोप जिला परिषद में जो जमकर धांधली हो रही है, कई तरह के घोटाले हो रहे हैं, उनका आरोप है जो उन्होंने लगाया है, वो आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि रेणु यादव ने क्या कुछ कहा है। हालांकि आपको बताते चले कि जो जिला पार्षद रजनीश कुमार गोड़ हैं या फिर छोटे लाल यादव हैं, इन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी बातों को रखा। हालांकि छोटे लाल यादव ने कहा कि घुटनी के एक SI हैं और उनके द्वारा शराब में लिप्त रहा जाता है, शराब के धंधे में या फिर शराब पी करके नशे में, तो इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर भी सभी पार्षदों ने आवाज़ को बुलंद किया। तो आइए सीधे ले चलते हैं कि रेणु यादव जो जिला पार्षद हैं उनका क्या कुछ कहना है, और उसके बाद से रजनीश कुमार गौर भी आवाज़ उठाने में थे, छोटेलाल यादव भी थे, सभी लोगों की जो आवाज़ थी DDC ने काफ़ी अच्छे तरीके से सुना भी, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्यों आखिरकार रेणु यादव, छोटेलाल यादव और रजनीश जो कुमार हैं इनमें आक्रोश है, सीधे ले चलते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं कि रेणु यादव ने आखिर क्या कुछ आरोप और किन पर लगाने का काम किया है। ATN लाइव के लिए रिशु के साथ चंदन कुमार सिवान। और मैं क्षेत्र संख्या 38 से आती हूँ, मेरा नाम रेणु यादव है और मैं चौथा बार जिला पार्षद हूँ। जिला पार्षद के बारे में बखूबी जानती हूँ, जनता ने हमें जिताने का काम किया है तो निश्चित ही मैं सदन में आती हूँ, अपने जनता की हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ती हूँ और सदन से विकास ले जाकर जनता के बीच देने का काम करती हूँ। तो आज गत बैठक की कार्रवाई में यह बात आई तो सष्टम वित्त आयोग की 2024 और 2025 अंतर्गत ली हुई योजनाओं का विचार विमर्श हुआ। इसके पहले हमने अपने क्षेत्र में DDC या मैडम, हमारी बड़ी बहन है, सम्मान करते हैं पद का, माननीय अध्यक्ष जी से मैंने पूछने का काम किया कि मेरे क्षेत्र 38 में कौन कौन सी योजनाएं दी गई है, मैडम बताने का काम करें।
डीडीसी साहब ने कहा कि हम बताते हैं। हम बताना चाहेंगे कि आनन फानन में बिना सदन चलाए बिना बहुमत के पारित कर लिया गया पुस्तकालय, जो सदन में योजनाएं पास की जाती है जो कि सदन नहीं चलाया गया, और सदन में पूछने पर गोल मटोल डीडीसी साहब के तरफ से यह बात आया कि हम तो ले लिए हैं, पास हो गया है, टेंडर हो गया है। टेंडर कहाँ का लोग लिया है? आ तो दिल्ली से आए थे कोई ठेकेदार, वही टेंडर लिए हैं। जब बिहार सरकार कहती है कि बिहार के ठेकेदार बिहार में निवेश करें और हम बिहारी दूसरे राज्य में जाके गाली न सुने कि हमें पहले बिहारी कह के माननीय मुख्यमंत्री जी आज लगा रहे, हमारे तेजस्वी यादव जी ने फैक्ट्री का अथी किया था, निवेश करने का काम किया था कि लोग आए हमारे यहाँ निवेश किए, तो हमारे डीडीसी साहब दिल्ली से बुला रहे हैं ठेकेदार और बिना सदन में पारित किए 3,19,00,000 की योजना बिना पार्षदों के अनुमति से, बिना सहमति से, बिना सदन से पारित कर लिया गया है और ठेकेदार को दे दिया गया है, टेंडर करवा दिया गया। हम सदन के माध्यम से डीएम साहब से भी कहना चाहते हैं कि जिला परिषद नहीं जाली परिषद हो गया है, मनमाना होता है। जब योजनाएं पूछे जाते हैं जिला पार्षद पूछती हैं, हम एक महिला जिला पार्षद हैं, हक है कि जनता मुझे वोट दी है तो अपने क्षेत्र की जनता का आवाज़ उठाए। मैंने पूछने का काम किया तो मुझे कहा जा रहा है कि आप योजना लिख कर नहीं दी थी, जो कि मैं स्वयं अध्यक्ष जी को लिख के दी थी, उसका प्रूफ है मेरे पास, आप देख सकते हैं। एक विशेष बैठक हुई थी, कहाँ सरकार की नियम है? हम माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि कहाँ का नियम है कि अध्यक्ष बन जाए तो 2.5 करोड़ का काम आपने ले ले या बाकी पार्षदों को न दे। एक लिस्ट दिखाना चाहते हैं, आप सदन में दिखा सकते हैं, अपने अथी में दिखा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष संगीता चौधरी, इस सिस्टम की योजना ली गई थी, देखिए साक्ष के साथ है, इसमें क्षेत्रवार प्रश्न लिखे गए थे, देखिए बाकी क्षेत्रों में देखिए 1, 2, 3 योजना। संगीता देवी अध्यक्ष, देखिए इनमें कितना लिया गया है, आप सदन को दिखाने का काम कीजिए। 42,04,02,50,000, कहाँ का न्याय है भैया कि आप अध्यक्ष बन जाइएगा? क्या यह नियम है? पंचायती राज विभाग से भी मैं पूछना चाहती हूँ, पंचायती राज विभाग पटना में जाऊँगी और पूछूँगी कि क्या अध्यक्ष बन जाएगा सो जिला परिषद को लूट जालेगा? योजनाएं बहुमत से पारित होती है, योजनाएं सदन से पारित होती है, आज वही हुआ। पुस्तकालय बिना टेंडर करवाए, बिना सहमति पार्षदों के लिए टेंडर करवा दिया गया है। आप बताइए, हम क्षेत्र के पार्षद हैं, क्या हम नहीं बताएंगे? अगले बार भी पार्षदों के साथ नाइंसाफी की गई, देखिए मेरे पास सारा चीज़ है, देखिए वही जेई एक रेणु यादव का स्कूल का एस्टीमेट 5 लाख बनाता है, अब वही SJE अगर माननीय अध्यक्ष का होता है या उनके चहेते पार्षद हैं तो 12 लाख का बनाया जाता है, यह कैसा नाइंसाफी है? मैं मीडिया के माध्यम से डीएम साहब से भी अगवाह करना चाहूँगी, डीएम साहब को बताना चाहूँगी कि यह बिल्डिंग देखिए जो सामने खड़ी है, कोई बताना नहीं चाहता, इसमें घोटाला हुआ है। आज जिला परिषद की 4 दीवारी हो रही है, पुराने ईंट को झाड़ कर रगड़ कर पुनः टेंडर नहीं हुआ है, करवा दिया गया है, लेकिन आता पता नहीं है। इसीलिए मैं सदन के माध्यम से अपनी जनता को भी बताऊंगी कि आपने मुझे वोट दिया, मैं लड़ने का काम करती हूं, लेकिन मेरे साथ जिला परिषद के लोग, जिला परिषद के साथी हमारी योजना देना नहीं चाहते हैं, मनमाना करते हैं, जो कि मैडम को जिताने में विश्वास में मैं प्रथम व्यक्ति थी कि मैंने जो इतिहास रचने का काम किया कि आज मैडम जो सीना तान के चेयर पर बैठी है, रेणु यादव का देन है। अविश्वास लगा था, उनके लोग भाग गए थे, लेकिन रेणु यादव ने बनाने का काम किया था, लेकिन उसका फल आज क्या मिला? आज हमको ही विपक्ष में रखती है उनके मन में। हम पूछना चाहते हैं डीएम साहब से कि पंचायती राज व्यवस्था में जब दलगत चुनाव नहीं हुआ तो मैडम क्यों हमें राजद की, मैं नेत्री हूं तो मुझे विपक्ष मानती है और वो अपना भाजपा जदयू की नेत्री है तो सत्ता पक्ष मानती है? क्या यह नियम है पंचायती राज व्यवस्था में कि आप दलगत, जब चुनावे पंचायत चुनाव हुआ है तो आप क्यों दलगत करती हैं? आज भी देख लीजिए, मैं चाहती हूं कि उस टेंडर को रद्द किया जाए जो मनमाना ढंग से बिना योजना का
DDC ने बिना बहुमत का पारित का उन्होंने टेंडर करवाया है, इस चीज़ को रद्द हो और पुनः सारे पार्षदों में बराबरी का हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और बाहरी ठेकेदार क्यों होगा जब जिला परिषद में टेंडर हो रहा है, हमारी योजनाएं टेंडर हो रही है जिला परिषद में, तो जिला परिषद से ही टेंडर होनी चाहिए। तो हम इस चीज़ और भी पार्षद हैं, आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम माननीय DM साहब से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि आप एक बार जिला परिषद की विजिट तो कीजिए, आप एक बार जिला परिषद की योजनाएं को देखिए। सरयाम लूटने का काम किया जाता है, कहा गया कि नहीं है, इसमें बहुमत की क्या ज़रूरत है, हम अध्यक्ष है जिसको देंगे उसको देंगे। DDC कह रहे हैं कि आप हमको देती, आप बताइए, DDC सचिव होते हैं अध्यक्ष का, वो अध्यक्ष से भी बड़ा मान रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने योजना क्यों नहीं दिया। इसलिए अगर मेरे साथ अन्याय नहीं किया गया, मेरे हक को नहीं दिया गया, पुस्तकालय सारा हो गया, अनिश्चित पुस्तकालय हो गया है, लेकिन मेरा क्षेत्र पड़ता है 38 बसंतपुर, लेकिन मेरे बसंतपुर को छोड़ के भगवानपुर हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, 36 को छोड़ दिया गया, इसलिए कि वो मुस्लिम है, इसलिए कि वो राजद का कर करता है तो उसे छोड़ दिया गया है, मेरे 37 को छोड़ दिया गया कि वो राजद का है। मैडम बैठते बैठते राजनीति कर रही हैं, पंचायत चुनाव तो राजनीति पर नहीं हुआ था लेकिन यहाँ राजनीति कर जा रही है, इसीलिए हम DM साहब से भी कहेंगे और मिल के लिखित भी देंगे कि हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जब मांगा जाता है, जब कहा जाता है तो DDC साहब डांटते हैं, मैडम कहती आपको तो चिल्लाने का आदत है, अरे नेता चिल्लाएगा नहीं तो मुंह बंद करके रहेगा, नेता अपनी जनता के लिए चिल्लाएगा, गोलियां खाएगी, बंदूकें खाएगा, तब तो नेता है। मैं 2006 से लगातार जिला पार्षद रही हूं, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सारे हमारे बसंतपुर में करोड़ों की संपत्ति की भूमि है, जो उसका लागत आज लगाइएगा तो 1.5 करोड़ रुपया कट्ठा बिक रहा है, और हमारे यहाँ 2 बीघा से ऊपर ही जमीन है, लेकिन आज तक हमने जब से जीतने का काम किया वहाँ कहा कि दुकान बनवाई जाए, विवाह भवन बनवाई जाए, सर्किट हाउस बनाई जाए, लेकिन हमारी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है और कहीं कहीं का ले लिया जाता है। इसलिए मीडिया के माध्यम से हम सरकार को भी जनाना चाहते हैं, पंचायती राज सचिव को भी जनाना चाहते हैं कि एक महिला पार्षद के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जो कि दलगत जब चुनाव नहीं हुआ तो मन में दलगत भावना नहीं रहनी चाहिए, और किसी को 38 करोड़ का, 40 करोड़ का, 2-2 करोड़ का और हम लोग का योजना न लिया जाए। आज भी हमारा लिस्ट में पुस्तकालय नहीं था, इसलिए मैं सदन से पुनः वापस आई हूँ, इस चीज़ को उठाऊंगी, DM साहब को दूंगी, पंचायती राज विभाग में दूंगी और सारा लेखा जोखा मैं मीडिया के माध्यम से लिखित और देने का काम करूँगी। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को OPD बिल्कुल फ्री, याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। RS Gems and Jewelers, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS Gems and Jewelers, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान, मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान, मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।